हाय गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो यार, मैं आप जो वीडियो जो इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ वो है सारे टॉपिक कार 24 के फ्रॉड की, स्कैम की, जो ये अपने कस्टमर के साथ कर रहे हैं काफ़ी लंबे टाइम से। काफ़ी लंबे टाइम से मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसके रिलेटेड मैंने जब सर्च किया यूट्यूब पे तो मुझे काफ़ी शॉर्ट्स वीडियो मिली और काफ़ी वीडियो मिली जो मुझे पता चला कि हाँ, रियल में मेरे साथ भी ऐसा हुआ। कहानी है कैटलिटिक कन्वर्टर में जो मेटल होता है उसके मिसिंग होने की। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। मैं 19 फेब 23 में अपनी गाड़ी परचेज़ करी लगभग 6-7 महीने पहले, और गाड़ी ख़रीदने के 9वें 10वें दिन ही मैं जब कहीं जा रहा था, मंदिर की तरफ जा रहा था राजस्थान में, तो उस टाइम पे रात को चेक इंजन लाइट आ गई। तो मैं थोड़ा डर गया, घबरा गया कि शायद इंजन में कुछ दिक्कत तो नहीं है, गाड़ी में इंजन ऑयल है कि नहीं है, कुछ ऐसा तो नहीं। तो मैंने गाड़ी रोकी तो उसमें ऐसा कुछ नहीं था, गाड़ी नॉर्मल स्टार्ट थी, चल रही थी, बस इंजन चेक लाइट थी। तो मेरे को रात को 12-1 बजे के टाइम था, मेरे को फ़ोन करा जिस वेंडर ने मुझे गाड़ी डिलीवर करी थी, मेरे पास उनका ही नंबर था कार 24 वाले। तो हालांकि रात उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया, रात को लेट थे, तो गाड़ी में जैसे जैसे पहुँच गया, सुबह होते हुए मैं पहुँच गया अपने डेस्टिनेशन पर। उसके बाद सो मैंने को मॉर्निंग में उनका बैक कॉल आया कि मैंने सर को, सर ऐसी बात है, रात को मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा था, उसमें चेक इंजन लाइट सडन ला गई और येलो कलर की लाइट है। तो उन्होंने बोला सर ईसीयू बेस्ड गाड़ी है, इनमें हो जाता है कि आ जाती चेक इंजन लाइट, वैसे घबराने वाली बात नहीं, आप कहीं भी नियर वर्कशॉप में जाकर एक बार इसका टेस्ट करा लीजिए, चेक करा लीजिए, इसका स्क्रीन टेस्ट करा लीजिए। मैं जाता हूँ, स्क्रीन टेस्ट कराता हूँ, उसमें O2 सेंसर की बैंक वन की जो फॉल्ट कोड आता है वो आता है। हुंडई वर्कशॉप बोलते हैं कि सर ये O2 सेंसर की एरर है, तो हम टेम्परेचर भी इसको इरेज कर देते हैं, अभी आ भी जाती है फिर भी आती है, तो उसका मतलब आपका O2 सेंसर में फॉल्ट है, आपका कैटलिटिक कन्वर्टर रिप्लेस करना पड़ेगा। ठीक है, मैं वापस गाड़ी को ले आता हूँ, गाड़ी नॉर्मल चलती है। जैसे ही मैं कभी सिटी से बाहर निकलता हूँ 5-10 दिन बाद, तो जैसे ही गाड़ी 100-120 की स्पीड जाती है, कुछ किलोमीटर चलती है उसका, तो फिर चेक इंजन लाइट आ जाती है। तो फिर मुझे फाइनल हो जाता है कि कहीं ना कहीं एक मेजर इशू है। तो मैं फिर वारंटी क्लेम रेज करता हूँ कार 24 की ऐप में जाके, मुझे फ़ोन आता है, एक अजीत जी का फ़ोन आता है, वो उनको मैं सारी चीज़ बताता हूँ, वो कहते हैं कि सर हमारा आएगा, हमारा तब से लड़का आएगा, उससे गाड़ी चेक कर लेना। गाड़ी चेक कराता हूँ, O2 सेंसर की दिक्कत निकलती है, वो बोलते हैं कि सर आप अपनी गाड़ी को ना नेक्स्ट डे या अपने जब भी आप आओ, मैं उस टाइम आउट ऑफ दिल्ली था, तो आप जाके गुड़गांव में इस वाले M3M मॉल के नीचे पार्किंग में खड़ी कर देना गाड़ी को। मैं यहाँ से जाता हूँ, गाड़ी खड़ी करता हूँ, वापस आता हूँ, आफ्टर 6-7 डेज़ उनका गाड़ी का काम शुरू होता है। वो पूरी वीडियो मुझे बना के भेजते हैं कि मैंने O2 सेंसर, ये ओल्ड वाला है, नया वाला है, हमने चेंज कर लिया है। 6123 ये इसका पुराना ऑटो सेंसर है, ये नया ऑटो सेंसर है। अरे इतने फोटो कितना खींचे, ये खुला है ऑटो सेंसर, चेंज होने जा रहा है। मैं गाड़ी वापस ले आता हूँ, उन्होंने कहा कि सर अब चेक इंजन लाइट नहीं आएगी, हमने रिप्लेस कर दिया हुआ है ऑटो सेंसर। उसके बाद फिर 20-25 दिन गाड़ी वैसे थोड़ी कम चलती है, फिर आफ्टर 40-45 डेज़ मैं फिर कभी बाहर जाता हूँ तो फिर उसमें एक चेक इंजन लाइट आ जाती है। फिर मुझे थोड़ा और डाउट होता है कि O2 सेंसर चेंज हुआ है या नहीं हुआ है, ये क्यों बार बार लाइट आ रही है, क्योंकि उस टाइम तक मुझे नहीं पता था कि कैटलिटिक कन्वर्टर के अंदर कुछ ऐसा तरह का मेटल रहता है, वो ये इनकी तरफ से गायब कर भी देते हैं उसको, तो कुछ मैं को आगे बताने वाला हूँ पूरी कहानी। तो फिर मैं उनको फ़ोन करता हूँ कि सर अगेन जो चेक इंजन लाइट है वो आ गई है, और बोला सर ठीक है, अंडर वारंटी थी उस टाइम गाड़ी, 15 किलोमीटर के अंडर ही थी, नहीं चली थी, 15 में चली थी। तो फिर वो मुझे एक जहाँ पे वर्कशॉप थी जहाँ पे गाड़ी में ऑटो सेंस डालता उनका नंबर देते हैं मुझे, मैं उनको फ़ोन करता हूँ, वो कह रहे हैं सर मैं आउट ऑफ अभी टाउन हूँ, अभी मैं अपनी वर्कशॉप के पास नहीं हूँ, तो मैं 2-3-4 दिन में वापस आऊँगा तो मैं चेक करूँगा। मैंने कुछ दिन मैं फ़ोन करता हूँ और पूछता हूँ कि सर ऐसी ऐसी बात, वो कहते हैं कि सर ये हमारा 15 से 20 या 20 से 25 दिन की वारंटी होती है, कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं, 20 दिन की होती है, 25 दिन की होती है, 30 दिन की होती है, इस O2 सेंसर की कोई ऐसा पर्टिकुलर टाइम नहीं देते हैं वो कि सर ऐसा 15-20 दिन की वारंटी होती है। उनको पता होता कि 40-45 डेज़ हो गए तो कुछ ही बोल के टरका दो बंदे को कि हमारी वारंटी इसकी O2 सेंसर ख़त्म है सर, तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, आप आते हो तो हमें आपको O2 सेंसर फिर आपको लगाना, तो आपको फिर पेमेंट करनी पड़ेगी इसकी। तो फिर उसके बाद मैं फिर कार 24 वालों को बोलता हूँ, तो बोलते हैं कि सर अब इसमें हम कुछ कर नहीं सकते और कैटलिटिक कन्वर्टर वारंटी में आता ही नहीं है। मैं कहा चलो ठीक है, कैटलिटिक कन्वर्टर वारंटी में नहीं आता, तो फिर मैं काफ़ी वीडियो सर्च करता हूँ,
यूट्यूब पे देखता हूँ कि क्या है, फिर मुझे मिलती है कि भाई अगर O2 सेंसर चेंज करने के बाद भी जो अगर एरर्स रिमेन सेम रह रहा है तो समझो कि कैटलिटिक कन्वर्टर में जो मेटल है वो मिसिंग है या वो नहीं है, उसकी वजह से भी चेक इंजन लाइट आती है। तो वहाँ से मुझे डाउट पड़ता है। और साथ में मैं शॉर्ट्स वीडियो देखता हूँ कार24 की यूट्यूब पे इनके इनके अगेंस्ट कि कार24 की 5वीं 6ठी गाड़ी मेरे पास आ चुकी है और इनका कैटलिटिक कन्वर्टर में मेटल मिसिंग है। फिर मुझे कन्फर्म हो जाता है कि O2 सेंसर ने इन्होंने चेंज तो करा ही है लेकिन ये मेटल मिसिंग है इनकी तरफ से। ठीक है, अब मैं इसको कन्फर्म कैसे करता कि मेटल मिसिंग है, क्योंकि वो वारंटी में भी नहीं आता वो एक्चुअली। मैं फिर मैं वेंडर को फ़ोन करता हूँ जिसने मुझे गाड़ी डिलीवर करी थी कि सर ऐसी ऐसी बात है, मुझे डाउट है कि कैटलिटिक कन्वर्टर मेटल ही नहीं है, तो ये वारंटी में नहीं है कैटलिटिक कन्वर्टर। तो उन्होंने मुझे गाइड किया कि देखो अगर आप वारंटी में देखते मेटल होता उसमें कोई प्रॉब्लम होती तो वारंटी में नहीं था वो। उन्होंने वो सर बोला वो क्या करते हैं अपना सील लगाते हैं उसके नीचे जो जहाँ साइलेंसर ऐड जुड़ता है उस कैटलिटिक कन्वर्टर से, एक बार आप जाके गाड़ी को चेक करा लीजिए, अगर उसमें मिसिंग है तो उनको एक बार वीडियो बना के बिल बना के इनको प्रूफ भेजिए, अगर वो मानते हैं ठीक है, नहीं मानते तो आप कंज्यूमर कोर्ट भी जा सकते हैं। पर राइट, चलो उन्होंने मेरे को अच्छा आइडिया दिया, शायद मेरे को ये पता भी नहीं था। तो मैं चल गुरुग्राम में एक वर्कशॉप में वहाँ पर गाड़ी वॉश कराता हूँ, उसके बाद उनको बोलता हूँ कि भाई साहब इसका एक बार कैटलिटिक कन्वर्टर में देखिए कि मेटल है कि नहीं। वो गाड़ी ऊपर उठाते हैं, लेकिन उनके पास गाड़ी का ऊपर उठाने का नहीं, वो जैक से गाड़ी ऊपर उठाते हैं अपने, तो वो मुझे काट के वायर देते हैं कि सर ये वायर है। तो मुझे कहानी पर चलते कि ये जिनके 140 क्वालिटी चेक हैं, 140 क्वालिटी चेक हैं बड़े बड़े अक्षरों में, और हर बार कहते हैं कि सर हमारे हम तो 140 क्वालिटी चेक से गाड़ी होकर निकलती है तो गाड़ी में कोई कंप्लेंट हो ही नहीं सकती। तो हमें भी आता है, कस्टमर को भी कॉन्फिडेंस आता कि नहीं हम एक अच्छी रेप्यूटेड कंपनी से गाड़ी ले रहे हैं और हम सेफ़ हैं, हम अपना पैसा खर्च कर रहे हैं। तो वो भी मुझे वायर देते हैं, मैं तुरंत उस वायर को वीडियो बनाता हूँ, उस वायर को अपनी गाड़ी में संभाल के रख देता हूँ कि मैं ये प्रूफ है। वो नट खोलते हैं इसके, कुछ वायर अंदर डालते हैं, कहते हैं कि सर इसमें है ही नहीं, मिट्टी है ही नहीं इसमें, जिसको मेटल बोलते हैं, मेटल है ही नहीं सर मिसप्लेस। मैं फिर वारंटी क्लेम रेज करता हूँ और एक वही उसके बाद जो कमल भाटी जी हैं जिन्होंने O2 सेंसर के लिए भी बोला मेरा मेरे को कनेक्ट हुए थे, वही मेरे से कनेक्ट हो जाते हैं। वो कहते हैं कि मैं सर ऐसी ऐसी गाड़ी बीच में मिस फायर कर रही है और इसमें मेटल नहीं है कैटलिटिक कन्वर्टर में, मेटल मिसिंग है। वो कहेंगे सर ये वारंटी में होता ही नहीं है, कुछ नहीं होता है। मैं कहा सर वारंटी में जब नहीं है ना कि आपका कैटलिटिक कन्वर्टर है उसमें मेटल है और वो तब काम नहीं कर रहा, तब तो बात है। जब आप अपने क्वालिटी चेक में उसके नट बोल्ट पे सील लगा दे रहे हो, सब कुछ कर दे रहे हो, उसके बाद भी वो हम खोल के देखते हो उसमें मेटल मिसिंग, इसका मतलब कि आप फ्रॉड कर रहे हैं कस्टमर के साथ। आपको पता है कि इस आज के टाइम पे अगर आप नई गाड़ी लेते हो तो कैटलिटिक कन्वर्टर है उसकी जो कॉस्ट है वो नॉर्मल गाड़ी में 70-80 हज़ार से प्लस में ही है, तो इतना बड़ा फ्रॉड क्यों मतलब इस तरह का कार24 वालों की तरफ से। तो वो मुझे एक्सक्यूज देते हैं कि सर गाड़ी कितनी चली, मैं सर गाड़ी तो 17,000 के आसपास चल पड़ी। बोला सर इतनी तो गाड़ी चल ही नहीं सकती कैटलिटिक कन्वर्टर का मेटल मिसिंग हो तो। मैं क्या हो सकता है ऐसा भी बंदा। फिर मैंने सेम डे कॉल किया ह्यूंडई की वर्कशॉप में, उन्होंने पूछा कि सर ऐसी ऐसी बात है, ऐसा पॉसिबल है क्या? तो उन्होंने बोला कि सर ऐसा पॉसिबल नहीं है, गाड़ी मिसफायर करेगी, गाड़ी हीट हो सकती है और ऐसा कोई नहीं कि गाड़ी बंद होगी। तो जो कमल भाटी जी उन्होंने बिठा रखे हैं वो काफ़ी इंटेलिजेंट कॉलिंग पर्सन बिठा रखे हैं, उनको गाड़ी का सब पता है। पहले उनको मैंने डाउट लगा कि मैंने उनसे पहले पूछा कि सर O2 सेंसर शायद उन्होंने चेंज ना करा हो तब फिर से आ गया हो इंजन चेक लाइट। उन्होंने कहा कि सर O2 सेंसर एक बार खुल जाता है तो इसकी चूड़ियाँ ख़राब हो जाती हैं, उसके बाद ये नया रिप्लेस करना पड़ता है। उन्होंने मुझे पहले भी ऐसे बोला, मैं कहता सर चेंज हो गया होगा। फिर मैंने वही चीज़ जब उनको पता कि बंदा अभी मेरे को मिसगाइड कर रहा है कि भाई कैटलिटिक कन्वर्टर अगर गाड़ी इतनी चल पड़ी है तो कैटलिटिक कन्वर्टर मतलब ऐसा होता नहीं गाड़ी चले, फिर मैंने उससे क्वेश्चन पूछ लिया उठा कि सर अगर एक बार वो O2 सेंसर खुल जाते हैं कैटलिटिक कन्वर्टर के तो क्या वो वापस चढ़ते नहीं है क्या? बोला नहीं सर ऐसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि अगर आप प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट से उनको खोलते हो तो वो नॉर्मल आप उसको चढ़ा सकते हो, उसमें वो चूड़ियाँ रहती हैं उसमें। तो उन मतलब ऐसे इस तरह से गाइडेंस एक नई इन्फॉर्मेशन मुझे मिलती है। अब मुझे पता नहीं कॉलिंग वाले पर्सन बिठा रखे हैं वो या फिर बहुत बड़े मैकेनिक बिठा रखे हैं अपने टीम में कि उनको सब पता है कि कैसा कैसा चीज़ें होती हैं, तो वैसे मैनिपुलेशन वाली बात है और कुछ नहीं है।
तो उसके बाद वो बोलते हैं कि सर आपने जो पहले वीडियो बना के ठीक है, उन्होंने बोला कि सर मुझे एक बार वीडियो भेजिए और बिल बना के बिल जो है उनका भेजिए, उनसे बोलिए या उनका नंबर दीजिए, मैं खुद कंसर्न कर लेता हूँ। मैं कि सर नंबर है इनका, मैं आपको नंबर वीडियो में दिख रहा है, आप उन्हें खुद भी कॉल कर सकते हो, वायर आपकी सील वायर उन्होंने खोली है, उनको आप खुद पूछ सकते हो और वो बिल बना के भी आपको भेज देंगे। मैंने उस टाइम पे जब चेक करा तो बिल मैंने नहीं लिया था, मैं उनको फ़ोन करता हूँ कि सर ऐसे ऐसे मुझे एक इसका डायग्नोस्टिक बिल चाहिए, तो उन्होंने लिख के भेज दिया, मैं बिल अब ऐड कर देता हूँ इसमें। यार मैंने एक गाड़ी कार 24 से ली थी और ये इसके पिछले जब से मैंने गाड़ी ली 6 महीने से इसका इंजन चेक लाइट नहीं जा रही थी और मैंने अभी इसको खुलवाया यहाँ से और इस तार से जो लॉक कर रखा था कार 24 वालों ने और इसकी चेक इंजन लाइट नहीं जा रही है, लेकिन अंदर मैंने चेक किया था क्रेडिट कनेक्ट पूरा खाली था और मैंने आज इसको खोल के चेक कराया है। आज मंडे है, 11 सितंबर है और ये देखो मैंने इसमें क्योंकि ये बार बार इरीटेट करता था इन चेक इंजन लाइट, हालांकि कार 24 वालों की तरफ से इसकी O2 सेंसर की एरर था वो भी चेंज हो गया, उसके बाद भी चेक इंजन लाइट रिमेन सेम है, तो उससे इरीटेट होने के बचने के लिए मैंने इसमें ये टेप लगा रखी थी और ये इनकी तार निकली है। कार 24 वालों ने इसको सील कर रखा था कि भाई हाँ ये सब ओके है, लेकिन ये क्रेडिट कनेक्टर खाली है। मैंने चेक कराया, इस दुकान में आया था, यहाँ से मैंने चेक कराया इसको, जैसे मैं इसे स्टार्ट करूँगा चेक इंजन लाइट नहीं जाएगी, तो ये फ्रॉड करा है कार 24 वालों ने, क्योंकि अब इसके नए कैटलेटिक कन्वर्टर का प्राइस ही 40-50 हज़ार रुपये है, तो इतना कस्टमर कहाँ से पे करेगा फिर अगर इतनी रिलायबल कंपनी से हम गाड़ी लेते हैं। तो ये है गाड़ी का नंबर, यहाँ पे इसका शायद नंबर भी होगा, ये है गाड़ी का नंबर, बिल मैंने आपको दिखा दिया। अब इसके बाद वो कहते हैं कि सर मैंने अपने आगे कंसर्न टीम को भेजा था तो उन्होंने उनको क्लियर नहीं हुआ, तो नीचे से क्योंकि गाड़ी का नीचे से वीडियो नहीं ऊपर से वीडियो बनी थी, तो आप एक बार कहीं पे उनके पास चले जाइए, कहीं और चले जाके नीचे से वीडियो बनाइए इसके कि हाँ इसमें मेटल नहीं। फिर मैं आफ्टर 2 दिन के बाद चला जाता हूँ कि टिकट का एक लिमिटेड टाइम होता है ओपन होने का, 1 से 2 दिन में वापस चला जाता हूँ। उसके बाद हुंडई के वर्कशॉप पे जाता हूँ, वहाँ पे उनसे गाड़ी ऊपर उठवाता हूँ और उनसे फिर वो नट बोल्ट खुलवा के उनसे वीडियो बनवाता हूँ, उसे चेक करवाता हूँ। एक अपना एक एलिमेंट सा पत्ती से डालते हैं उसके अंदर कि सर खाली है, कैटलिटिक कनेक्टर में है नहीं, मेटल नहीं है। तो फिर मैं वो वीडियो बना के उनको बोलता हूँ, वो फिर बिल बना के सारा फिर से उनको वीडियो बना के भेजता हूँ, वो वीडियो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। आप दूसरे सोल्यूशन ले आओ इसको, यहाँ पे खोल रहे हैं इसको, ट्राई कर रहे हैं खोलने की, चेक करने की इसमें मेटल है कि नहीं है। ये गाड़ी का नंबर है और इन्होंने खोल दिया नट आगे से, खाली है, खाली है, खाली है, है नहीं ना मिट्टी इसमें, खाली दिख रहा है, खाली दिख रहा है, से लग रही लोहा लग रहा है, ये तो वो सफ़ेद मिट्टी दूर से दिख जाती है, सत्ता जैसा होता है, नहीं है भाई। मैंने इनके चेक कराई, अभी डायग्नोस कराई गाड़ी, ये लिख के दे नहीं रहे, लेकिन जब मांगा देखो इसमें लिखा हुआ कि कैटलिटिक कन्वर्टर का जो मेटल है वो मिसिंग है। अब देखता हूँ फाइनल, देखो अभी गाड़ी चला रहा हूँ, मैंने अभी टेप हटा दी है और इंजन लाइट वैसे की वैसे ही है। तो आपने वीडियो देख ली होगी सारी, ये दूसरी बार बिल्ली भी देख लिया होगा आपने, और उसके बाद क्या होता है कि वो अपने मैं उनको वीडियो भेजता हूँ सारी सब कुछ, वो बोलते हैं कि सर मैंने अपनी कंसर्न टीम को फॉरवर्ड कर दिया हुआ है। उसके बाद 2 दिन बाद उनका मैसेज आता है कि सर हमने अपनी मैंने हायर टीम को भेजा था, उन्होंने बोला कि कैटलिटिक कनेक्टर का कुछ नहीं हो सकता, इसका कोई वारंटी क्लेम है नहीं, सर नहीं। तो फिर मेरे पास स्टेप वही बचा कि अगर वो अपने आप को डिनाई कर रहे हैं उस चीज़ से, टल रहे हैं, तो कंज्यूमर कोर्ट जा सकता हूँ मैं, राइट है। मैंने हाथों हाथ वहाँ पर अपनी कंज्यूमर कोर्ट में अपनी कंप्लेंट रेज कर दी है, उसका स्क्रीनशॉट आपको दिखा देता हूँ। तो ये सब मिस मैनिपुलेशन और मिसलीडिंग फ्रॉड कर किया है कार 24 वालों ने, मेरे साथ किया है और बहुत और लोगों के साथ भी किया है, आप देखोगे यूट्यूब पे तो
ये तो ये कहानी है कार 24 के फ्रॉड की। हम इन पे ट्रस्ट करते हैं, एक मार्केट वैल्यू पे गाड़ी जो बिकती है उससे 1 लाख से 1.5 लाख रुपया इनको ऊपर देते हैं, इसी कारण कि हम एक अच्छी कंपनी से गाड़ी ले रहे हैं कि इन फ्यूचर हमें कोई दिक्कत ना हो, कोई हमें एक मतलब कबाड़ गाड़ी ना मिल जाए, और ताकि इसी विश्वास के ऊपर मैंने इनसे गाड़ी खरीदी थी ताकि अगर मेरे को इन बिटवीन कुछ दिक्कत होती तो उनको दिखा सकूँ। तो नहीं, जो इनको फ्रॉड करना था उन्होंने कर लिया और उसको बुकलेट में मेंशन नहीं किया, और ये करते आ रहे हैं, बहुत लोगों से करते आ रहे हैं। तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो भी कार 24 से गाड़ी लेने वाले हैं या ले रहे हैं, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपनी गाड़ी को लेने के बाद तुरंत, फर्स्ट आज आपने गाड़ी ली, सेकंड डे ले जाइए Hyundai की वर्कशॉप पे, किसी ऑफिशियल पे, उनको बोलो सर पूरी जितना हो सके ना पूरी गाड़ी को डायग्नोस्ट कर दो, 2000 लें वो डायग्नोस्ट का, 3000 लें, 4000 लें, 5000 लें, पे कर दो उनको कि हमें पूरी गाड़ी खोल के दो जितना हो सके, कि किस गाड़ी में कोई मेजर खर्चा ना हो, पूरा डायग्नोस्ट करके मुझे दे दो, बता दो, ताकि एक हफ्ते का इनका वारंटी, जो एक्सक्लूसिव गारंटी वारंटी रहती है वो रहती है, उसके अंडर आपने इनको गाड़ी वापस कर दी तो ये ले लेंगे। अगर उसके बाद करें तो फिर तो सर वही है कि ये वारंटी में है, हम इसको रिप्लेस नहीं करेंगे, हम इसको रिपेयर करेंगे, हम ये करेंगे, फिर इनके ड्रामे चलते रहेंगे आगे। तो एक हफ्ते के अंदर आप गाड़ी को अच्छी तरह चेक कर लें, इवन मैं तो बोल रहा हूँ चेक करा के एक लंबे टूर पे निकल जाएं, उसको 2-3 हज़ार किलोमीटर चला के ही आएँ 2-3 दिन में, ताकि पता लग जाए कि हाँ गाड़ी में कोई दिक्कत होनी, नहीं तो फिर ये आपको टालते रहेंगे। एक हफ्ते तक आपको गाड़ी उन्होंने चिपका दी तो चाहे क्या भी दिक्कत हो उसमें, फिर तो वो टरकाते ही रहेंगे आपको, आपका टाइम ख़राब होगा, आप फ्रस्ट्रेट होंगे, परेशान होंगे, अपने इमोशन ख़राब करेंगे, लेकिन आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा कुछ भी। तो ये आप कोई भी अगर बंदा YouTube पे या कोई पर्सन देख रहा हो, रिव्यू ले रहा हो कार 24 का, तो जो मैंने आपको बोला उस चीज़ को प्लीज़ नोट करके, ध्यान करके ही आप सब चीज़ कीजिएगा। गाड़ी खरीदनी होगी तो काफ़ी ध्यान देके खरीदिए गाड़ी, क्योंकि आप मार्केट वैल्यू से 1-1.5 लाख रुपया ऊपर दे के ही इनसे गाड़ी ले रहे हो, तो उसका आपको बेनिफिट होना चाहिए, नहीं तो आप ऐसे फ्रॉड के चक्कर में फंस गए तो आप परेशान होंगे, आप यही सोचेंगे फाइनली मेरी तरह कि अगर मैंने 1-1.5 लाख रुपया डाल के फालतू में एक नई गाड़ी उठा ली होती तो उसकी मुझे इतनी टेंशन या इनसे इतनी आर्गूमेंट या मैं कुछ परेशान नहीं होना पड़ता।